ये जो आप देख रहे हो मेरे हाथ में लिक्विड, इस लिक्विड का जो है बहुत ही शक्तिशाली गुण पाया जाता है। ये लिक्विड जो है आपका फर्टिलाइज़र प्लस फंगिसाइड प्लस आपका पेस्टिसाइड। इसे यूज़ करने से आपके जितने तरह के भी एफिड्स होंगे, मिलीबग होगा, आपके जितने तरह की थ्रिप होगा, माइल्ड होगा, जो भी है आपके प्लांट्स में, इस तरह से अगर आप स्प्रे करते हो इसे तो आपके जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स में देखिए किस तरह से मेरे जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स में किस तरह से छोटे छोटे ये जो कीड़े हैं ये देखिए इसमें भरा हुआ है पूरा, ये देखिए, और पत्ते का क्या हाल बना दिया, पीला हो गया पत्ता। तो अगर आप इसे स्प्रे करते हो तो इससे आपके जितने भी कीड़े मकोड़े होंगे, जितने भी थ्रिप्स होंगे और जितने भी आपके मिली बग वगैरह होंगे, चीटी वगैरह होंगे, अगर आप प्लांट पर स्प्रे करते हो या फिर मिट्टी में जड़ों में देते हो तो इससे जो है आपका प्लांट जो है वो हेल्दी भी बना रहेगा और कीड़े मकोड़े से भी मुक्त हो जाएगा। तो इसे आप किस तरह से बना सकते हो, फ्री में ही है, ये ऑर्गेनिक है, फ्री का फर्टिलाइज़र है, प्लस फंगिसाइड प्लस आपका जो है पेस्टिसाइड है, किसा कोई भी नाम दे सकते हो। मतलब मैं बनाना चाहती हूँ, बनाने जा रही हूँ, आप लोगों से शेयर करूँगी, जो जिसके प्रयोग से, जिसके यूज़ से अगर आपके प्लांट में भी इस तरह के तो देखिए मेरे करेले के बेल है, इसमें भी देखिए किस तरह से इन कीड़ों ने ख़राब कर रखा है। देखिए सारे पत्ते जो है मुड़ रहे हैं, और इनमें भी देखिए वही कीड़ा लगा हुआ है, फिर जो है छोटे छोटे, और चींटियाँ देखिए मिट्टी में भी बहुत सारी चींटियाँ हैं, मिट्टी के अंदर चींटियों ने घर बना लिया है। तो ऐसा एक मतलब फर्टिलाइज़र प्लस आपका कीटनाशक बनाऊंगी या इंसेक्टिसाइड या फिर आपकी फंगिसाइड बनाऊंगी, जिससे कि इन लोगों का खात्मा कर सकूं मैं। तो आप लोगों से शेयर करूंगी ऐसा ही एक आपका फर्टिलाइज़र प्लस आपका जो कीटनाशक फंगिसाइड या फिर आपका इंसेक्टिसाइड, कुछ भी आप उसे बोल सकते हो, तो उसे किस तरह से यूज़ करते हैं, किस तरह से उसकी बनाएंगे, तो चलिए मेरे साथ मैं क्या क्या मतलब उसमें डालती हूँ, तो वीडियो में बने रहिएगा। तो देखिए गाइस, मैं किस चीज़ से आपका कीटनाशक बनाऊंगी, ये जो है ये है गेंदे के फूल। मेरे घर में पूजा के टाइम बहुत सारे फूल आ गए थे, कुछ का मैंने यूज़ कर लिया है और कुछ मैंने ये गेंदे के फूल रखा हुआ है, और दूसरा है आपका ये एलोवेरा, ये एलोवेरा डालूंगी, और तीसरी और एक चीज़ डालूंगी। तो गैस बनाने के लिए क्या क्या चाहिए ये तो मैंने बता दिया, और ये आपके एक लीटर के करीब पानी, तो एक लीटर के करीब पानी ले लिया है मैंने, तो इसमें मैं डालूंगी ये गेंदे के फूल। तो गेंदे के फूल जो है इसमें कौन सा पोषक तत्व पाए जाते हैं, क्या क्या मतलब पाए जाते हैं, मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। तो गैस ये जो आपके गेंदे के फूल जो होते हैं इसमें बहुत ही अच्छे औषधीय गुण पाए जाते हैं, जो कि आपके जिसमें कि आपके विटामिन ए, विटामिन बी और मिनरल्स और आपकी एंटीऑक्सीडेंट बड़ा पाए जाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट के साथ साथ आपके ये एंटी बैक्टीरियल जो है वो गुण भी है इनमें, और एंटी फंगल गुण भी होते हैं, बहुत ही मतलब अच्छे होते हैं आपके प्लांट्स के लिए, और इसके जो गुण है मतलब है वो हमारे बालों के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं, स्किन के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। तो देखिए ये जो गेंदे के फूल है, तो इससे अगर आप कीटनाशक बनाते हो तो आपका 100% जो ये कीड़े मकोड़े होते हैं, चींटियाँ होते हैं, तो ये दूर भाग जाते हैं या फिर मर जाते हैं इस तरह से। तो देखिए ये पके हुए हैं बीज है, तो इससे मैं प्लांट्स लगाऊंगी तो आप लोगों से शेयर करूंगी। तो ये निकाल देती हूँ मैं, इस तरह से फूलों को लेती हूँ मैं, ये देखिए जो गेंदे के फूल होते हैं, इससे पहले भी मैंने इसके लिए कीटनाशक बनाए थे, तो वीडियो मैंने आप लोगों से शेयर किया था, अगर आप लोगों ने देखना तो मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं, गेंदे के फूल से किस तरह से मतलब कीटनाशक बना सकते हो और स्प्रे बना सकते हो। तो ये देखिए, तो मैंने गेंदे के फूल ले लिए इस तरह से, सभी को मैं तोड़ लूँगी अच्छी तरह से। तो गैस ये गेंदे के फूल जो होते हैं ना, बहुत ही अच्छे होते हैं प्लांट्स के लिए, कीटनाशक के रूप में तो बहुत ही अच्छा काम करता है। आप हर एक प्लांट में दे सकते हो, फल वाले हो चाहे फूल वाले हो, चाहे आपके जो शोपीस, मैंने करी पत्ता पे भी यूज़ किया है इसका, तो कोई मतलब साइड इफ़ेक्ट नहीं होते, क्योंकि ऑर्गेनिक चीज़ें होती है ये, तो इसलिए इसका स्प्रे आप बेझिझक कर सकते हो और इसमें सॉइल में भी डाल सकते हो। तो इस तरह से आप गेंदे के फूल ले लीजिए। तो उसके बाद मैं ले लूँगी ये एलोवेरा। एलोवेरा जो होते हैं वो भी प्लांट्स के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं, ये फंगिसाइड का काम भी करता है, साथ में आपका जो है इंसेक्टिसाइड या फिर आपके फंगिसाइड का भी बहुत अच्छा काम करता है,
और पत्ते जो है लेशग्रीन बनते हैं, तो इसमें बहुत सारे ऐसे गुण पाए जाते हैं जिसके उपयोग से आपके जो प्लांट्स हैं बहुत ही अच्छे बनते हैं। जो एलोवेरा होता है उसमें आपके जो है बहुत ऐसे मतलब आपके विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई और विटामिन 12 भी पाया जाता है इसमें, और जो है फॉलिक एसिड जो है वो भी पाया जाता है, जो कि आपके प्लांट्स के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। बहुत ऐसे 20 के करीब आपके इसमें तत्व पाए जाते हैं, बहुत ही अच्छे होते हैं वो, क्योंकि इसमें जो है आपका कैल्शियम भी पाया जाता है, मैग्नीशियम भी पाया जाता है, जिंक भी पाया जाता है, और आपकी जो है सेलेनियम नाम का एक आपका एक वो पाया जाता है, जिससे कि आपके प्लांट्स के लिए भी बहुत अच्छे माने जाते हैं। और सोडियम भी पाया जाता है, आयरन है इसमें आपका, पोटेशियम भी है, कॉपर भी है, और मैग्नीशियम जो है मैग्नीज भी पाया जाता है, तो प्लांट्स के लिए तो बहुत ही अच्छा होता है ये। तो इसके साथ साथ मैं और एक चीज़ मिलाऊंगी, जो कि आपके फंगीसाइड का और जो इंसेक्टीसाइड का और जो मतलब आपके फर्टिलाइज़र का काम भी करता है, वो बहुत ही अच्छा होता है हमारे प्लांट के लिए। तो वो है आपका ये नीम की खली। नीम की खली जो होती है इसमें भी आपका मैग्नीशियम पाया जाता है, सल्फर पाया जाता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सभी ऐसे ऐसे चीज़ पाए जाते हैं जो प्लांट्स के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो ये फर्टिलाइज़र का काम भी करेगा आपका और कीटनाशक का काम भी करेगा। तो इस तरह से जो नीम की खली है इन पानी के साथ मिलाकर मैं 2 दिन के लिए इसको छाई में ढक कर रख दूँगी, उसके बाद आप लोगों से शेयर करूँगी किस तरह से इसको यूज़ करना प्लांट्स में और किस तरह से स्प्रे करना है। तो वीडियो में बने रहिए। तो देखिए गाइस, 3 दिन बाद मैं आ गई हूँ अपना फर्टिलाइज़र प्लस पेस्टिसाइड प्लस आपका जो है फंगीसाइड लेके। तो देखिए इस तरह से ये तैयार हो गया है। तो इसे किस तरह से यूज़ करना है, कैसे इसको आप अपने प्लांट पे स्प्रे करोगे, अप्लाई करोगे, इस बारे में बताती हूँ। तो देखिए बनकर तैयार हो गया है मेरा। तो इसको देखिए अच्छी तरह से मैं छान लूँगी, देखिए इसे मैं छान लेती हूँ। और मैंने इसमें ले लिया है 10 लीटर के करीब पानी, ये देखिए, और इसे मैं 1 लीटर के करीब ले लूँगी। ये जो लिक्विड है मैं इसको छान कर 1 लीटर के करीब ले लूँगी। तो देखिए गाइस, 1 लीटर के करीब मैंने ले लिया है ये जो आपका है फंगीसाइड प्लस आपका पेस्टिसाइड प्लस फर्टिलाइज़र, ये देखिए इस तरह से। तो अब हम इसे स्प्रे बोतल में डालेंगे और स्प्रे करेंगे आपके जितने भी एफिड्स है, जितने भी थ्रिप्स है, मिली बग्स है, माइल्ड है और वाइट फ्लाई है, जितने भी प्रकार के आपके कीटाणु होंगे, जितने भी प्रकार के आपके प्लांट्स में चींटी वगैरह लगे होंगे, सबका खात्मा हो जाएगा इसी आपके जो फर्टिलाइज़र है, पेस्टिसाइड है और फंगीसाइड है। तो देखिए इस तरह से मैं इसे भर लेती हूँ स्प्रे बोतल में। तो देखिए इस तरह से मैं स्प्रे बोतल में डाल लूँगी इसे, और आपके जो सॉइल है आप सॉइल में भी दे सकते हैं, इसे कोई भी नुकसान नहीं करेगा, क्योंकि अगर सॉइल में या फिर आपके प्लांट्स के रूट्स में किसी तरह के फंगस होगा, किसी तरह के आपके चींटियाँ वगैरह कीटाणु होगा, कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह से स्प्रे करने से आप किसी भी मतलब प्लांट में भी स्प्रे कर सकते हैं, और इसके सुबह या शाम के टाइम कर सकते हैं, धूप में मत कीजिएगा, क्योंकि आपके जो आजकल तो वैसे भी मौसम ख़राब है, हल्का हल्का धूप है, हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है, इसकी वजह से ज़्यादा धूप भी नहीं निकल रही है। तो गाइस देख सकते हो ये मेरे करेले, टमाटर और मिर्च के प्लांट है, इसमें देखिए किस तरह से टीटियों ने घर बना रखा है, ये देखिए इस तरह से। और छोटे छोटे इसमें जो एफिड्स है, छोटे छोटे कीड़े हैं जो बहुत ही मतलब परेशान कर रखा है। इसमें देखिए फूल भी आ रखा है, करेले भी हो रहे हैं छोटे छोटे, ये देखिए, ये देखिए यहाँ पे फूल भी आ रखा है और करेला भी हुआ है छोटा सा। तो इस तरह से अगर आप स्प्रे करते हो तो आपके प्लांट में जितने तरह के भी आपके कीड़े मकोड़े होंगे सब आपके भाग जाएंगे, और आपका जो प्लांट्स है वो हेल्दी हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसे सॉइल भी दे सकते हो, सॉइल में देने से जितने भी कीड़ियाँ होंगे, फंगस होगी, सभी आपके मर जाएंगे, ये कीड़े मकोड़े जो भी होंगे। गाइस ये जो आपका पेस्टिसाइड प्लस फंगीसाइड प्लस फर्टिलाइज़र है बहुत ही शक्तिशाली है, आप एक बार यूज़ करोगे आपको अच्छा लगेगा, आपके प्लांट्स हेल्दी हो जाएंगे, तो आप बार बार इसको बनाकर यूज़ करना चाहोगे। ये जो फर्टिलाइज़र है
प्लस फंगीसाइड प्लस आपके पेस्टिसाइड है, बहुत ही अच्छा है और ये आपके ऑर्गेनिक है और बिना पैसे की ही, एक भी पैसा आपको इसके लिए खर्च नहीं करना पड़ेगा। ये सब आपके गार्डन और किचन से ही निकल के आते हैं बिना पैसे के ही, तो फ्री में ही आप बनाइए और इसे यूज़ कीजिए। तो गाइस वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए और मेरे चैनल अनुभास गार्डन को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने में थैंक यू।